जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाक सैनिकों में 4 सैनिक मारे गए, 1 घायल। भारतीय सेना का कहना है कि पिछले महीने पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन के 130 सेकंड अधिक मामले सामने आए हैं, जो 2014 सेकंड सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रविवार को नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी में 4 सैनिक मारे गए और 1 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान ने आज सुबह पूंछ और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के नियंत्रण या नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय सैन्य पदों और गांवों पर गोलीबारी तेज कर दी, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पूंछ में 1 किशोर लड़की और 1 सैनिक घायल हो गए। भारतीय सेना ने कहा कि वह उचित रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि उग्र गोलीबारी में छोटे हथियार, ऑटोमेटिक्स, मोर्टार और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। यह 3 दिनों में दूसरी बार था कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ को निशाना बनाया, स्वचालित हथियार और मोर्टार का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछले सप्ताह बालाकोट सेक्टर के लगभग 1 दर्जन क्षेत्रों में सेना और नागरिक सुविधाओं को लक्षित किया। भारतीय सेना का कहना है कि पिछले महीने पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन के 130 मामले सामने आए हैं, जो 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है। 18 और 22 जनवरी के बीच जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी गोलीबारी में 8 नागरिकों और 6 सुरक्षा कर्मियों सहित कम से कम 14 लोग मारे गए थे, 60 सेकंड अधिक लोग घायल हो गए थे और दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और गोलीबारी में जला दिया गया था। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 21 सेकंड 28 जनवरी तक 1 सप्ताह तक राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नियंत्रण रेखा के करीब 300 सेकंड ज्यादा स्कूल और बंद किए गए थे। सैकड़ों ने अपने घरों को सीमा के पास छोड़ दिया है, मवेशियों और फसलों के पीछे छोड़ दिया है। अगरतला में चुनाव रैली में बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन देश की सेनाओं को बताया गया है कि अगर एक गोली सीमा पार से आती है तो सुरक्षा कर्मियों को प्रतिशोध करने के लिए अनगिनत गोलियां चाहिए। सिंह ने कहा, मैंने हमारे बलों को स्थायी बल दिया है ताकि पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हमारे इलाके में आग लगने के लिए असीमित गोलियां मार सकें।